भगवान शिव जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा के अनुसार 3 दिवसीय शिव चर्चा दीपावली महापर्व कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा से आप और हम आस्था चैनल के माध्यम से सुबह 9 बजे से 10 बजे तक 24 और 25 तारीख को और 26 तारीख को दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक इस कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि से शिव चर्चा का स्मरण कर रहे हैं। कार्तिक का महीना जिसको दामोदर मास भी कहा जाता है, जिसमें भगवान देव अधिदेव महादेव भगवान शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का भंडार भरने वाले हैं, ऐसे पवित्र पावन दामोदर मास में कार्तिक के महीने में भगवान शिव की पवित्र धारा से कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र भूमि से ये 3 दिवसीय शिव चर्चा का लाभ लेने का सौभाग्य मिला है। कार्तिक के महीने में जो दीपावली के 5 दिवसीय पूजन होती है, धनतेरस, नरक चौदस, रूप चौदस, फिर रूप चौदस के बाद में दीपावली, दीपावली के बाद में गोवर्धन पूजन, फिर दूज, ऐसे 5 दिन तक दीपावली महापर्व को मनाया जाता है। ये तो हो गई मनुष्य की, मानव की दीपावली। इसी कार्तिक के महीने में आपके लिए और हमारे लिए भी दीपावली पर्व आता है, तो देवताओं के लिए भी दीपावली आती है। आपकी और हमारी जो दीपावली है वो ये कृष्ण पक्ष के अंतर्गत आ जाती है, और देवताओं की जो दीपावली है वो शुक्ल पक्ष के अंतर्गत आ जाती है। भगवान स्वयं वेदव्यास जी महाराज ने स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में, कुरम पुराण में, ब्रह्म विवर्त पुराण में और भी अनेक पुराणों में कार्तिक के महत्व का वर्णन किया। किस कार्तिक की महत्वता क्या है, दामोदर मास की महत्वता क्या है, ऐसा क्या है इस कार्तिक के महीने में, इस दामोदर मास में जिसके अंतर्गत भगवान शंकर की आराधना करी जाए, कुबेरेश्वर बाबा की आराधना करी जाए, लक्ष्मी की आराधना करी जाए, श्री हरि नारायण की आराधना करी जाए, भगवान नारायण और लक्ष्मी की आराधना कर कर हम सब कुछ प्राप्त कर सकते, क्या नहीं मिल सकते, जरा विचार करिएगा। कार्तिक महत्तम के अंतर्गत कथा आती है, सतभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछ लिया कि मेरा पूर्व जन्म कैसा था और मेरा कौन सा पुण्य ऐसा रहा है, मेरे कौन से पुण्य के कारण यह कल्प वृक्ष मुझे प्राप्त हुआ। ये वृक्ष तो किसी को मिल ही नहीं सकता, जो वृक्ष देवताओं के पास में है, जो वृक्ष देवताओं के पास विराजमान है, देवलोक में विराजमान है, वो कल्प वृक्ष मेरे सतभामा जो मृत्यु लोक पर द्वापर में मेरा जन्म हुआ है, मेरे को ये कल्प वृक्ष कैसे, मुझे ये कैसे प्राप्त हो।
स्कंद पुराण का कार्तिक महत्तम वर्णन करता है स्कंद पुराण का कि कार्तिक महत्तम की कथा में सतभामा जी भगवान कृष्ण से कहती हैं कि मेरा पुण्य कौन सा है। जैसे आज आपको अपने अंदर एक विचार लाना चाहिए कि आपका कौन सा पुण्य है कि जो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बैठकर तीन दिन शिव चर्चा करें और वो भी कार्तिक का महीना और कुबेर भंडारी की भूमि कुबेरेश्वर धाम। अपना पुण्य क्या है? अभी अभी हमारे समीर जी कह रहे थे कि पूजन किससे कराएं। हमने कहा सल्ला जी आई है महाराष्ट्र से उनसे करा दो और मुंबई वाली हमारी सुधा किरण जी आई है उनसे करा दो, दिल्ली वाली दोनों से करा दो। कोई पुण्य हमारे लिए दामोदर मास, कार्तिक मास और कुबेर बाबा की भूमि कुबेरेश्वर धाम और आप और हमारे सबके पुण्य है जो ये कथा। तो सतभामा जी पूछ रही है कैसा कौन सा पुण्य है हमारा, ऐसा कौन सा पुण्य हमने कर दिया जो पुण्य के बल पर आपने ये सुंदर वृक्ष कल्प वृक्ष हमें प्राप्त हो गया, आप हमें प्राप्त हो गए, हमारा पुण्य कौन सा था। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कार्तिक के महत्तम का वर्णन कर दिए दामोदर मास का कि सुनो सतभामा जी तुम्हारे पिता मायापुरी के एक सुंदर आनंद में रहने वाले एक ब्राह्मण परिवार का जिनका नाम देव शर्मा था, जिनका गोत्र अंतरी था। देव शर्मा नाम के वो ब्राह्मण जिनका अंतरी गोत्र है, कई समय तक उन्होंने शिव पंचायत की पूजन करी। हमने पहले भी कहा कि शिव पंचायत की पूजन का फल बहुत होता है। शिव पंचायत की पूजन का बड़ा आनंद आप लोगों के स्मरण में होगा। एक एकादशी होती है वैष्णव एकादशी, एक होती है स्मार्तकारी एकादशी अर्थात सबसे। वैष्णव एकादशी का मतलब यह होता है कि आप नारायण को मानने वाले हो, आप केवल एक को मानने वाले हैं तो यह वैष्णव धर्म के अंतर्गत आ गया। स्मार्त की जो एकादशी होती है उसमें आप नारायण को भी भज रहे हो, उसमें आप सूर्य भगवान को भी भज रहे हो, उसमें आप दुर्गा महारानी को भी भज रहे हो, उसमें आप गणेश जी महाराज को भी भज रहे हो, उसमें आप शंकर भगवान को भी भज रहे हो। तो स्मार्त एकादशी सबके सबके आनंद। हमारे पुष्टि मार्ग कहता है कि किसी भी रूप में एकादशी का व्रत करो पर करो। हम तो पहले भी कहे बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो, कैसे भी हो पर होना चाहिए। चाहे आप वैष्णव के भाव से करो चाहे स्मार्त के भाव से करो पर एकादशी का फल अपने को मिलना चाहिए। अब सतभामा जी ने पूछा कि मेरा पुण्य कौन सा ऐसा प्रबल हो गया जिस पुण्य के बल पर मुझे आप मिल गए, सुंदर कल्प वृक्ष मुझे प्राप्त हो गया। कहा आपके पिता एक ब्राह्मण कुल में मायापुरी में रहते थे, देव शर्मा उनका नाम था और आंतरी उनका गोत्र था। उनके अवस्था पूजन करते करते उनकी धर्म पत्नी और उनकी अवस्था निकलती चली गई अधेड़ी अवस्था। बचपन जवानी और अधेड़ी और बूढ़ा। अधेड़ी मतलब एक अवस्था निकलती चली गई 60 की अवस्था के आनंद में जब आपके पिता पहुंच रहे थे तब उनके मन में आया कि मेरी कोई औलाद नहीं, मेरी कोई संतान नहीं और कुछ कृपा ये पंचदेव शिव पंचायत में 5 देव विराजमान होते हैं। पहले सूर्य हैं, दूसरे नंबर पर मेरे देवाधिदेव महादेव हैं, तीसरे नंबर पर माँ दुर्गा है, चौथे नंबर पर बड़े आनंद से श्री गणेश जी महाराज हैं, पांचवे नंबर पर भगवान श्री हरि भगवान श्री नारायण। 5 देव विराजमान हैं, पंचदेव विराजमान हैं और वो बैठे जिनकी आराधना स्वयं देव शर्मा कर रहे हैं। सतभामा जी आपके पिता के मन में भाव आया कि मेरे घर में औलाद नहीं, कोई औलाद आ जाए। भगवान से प्रार्थना करते प्रतिदिन शंकर को एक लोटा जल समर्पित करते और जिस पंचायत में स्वयं शिव बैठे हैं तो शास्त्र कहता है उस पंचायत का निर्णय कोई नहीं करता, उस पंचायत का निर्णय फिर देवाधिदेव महादेव ही करते, शिव ही करते। बोलबम का नारा है,
सारी समस्या का हल। अब उसका निर्णय स्वयं भगवान शंकर करते हैं, इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि आपकी पूजन की जगह में शंकर का शिवलिंग होना जरूरी है। भले आप ठाकुर जी की सेवा करो, राधा रानी की सेवा करो, लक्ष्मी जी की सेवा करो, नारायण की सेवा करो, ब्रह्मा जी की सेवा करो, देवी की सेवा करो, चाहे देवता की सेवा करो, किसी की भी सेवा कर रहे हो, किसी की पूजन कर रहे हो, उसमें शंकर का होना जरूरी। जिस जगह शिव नहीं होता, जैसे दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शंकर नहीं थे तो वहां पर विघ्न ही आए। जहां शिव नहीं है वहां विघ्न है, शिव है तो विघ्न को टाल, क्योंकि जिसका पुत्र ही विघ्नहर्ता है, जिनके बेटे ही स्वयं गणेश जी है विघ्नहर्ता है, तो फिर तो विघ्न टालेगा। शंकर भगवान वहां पर विघ्न, तो सारे दुख को हरने वाले, सारे कष्टों को हरने वाले, सारी बीमारियों को हरने वाले, सारे तकलीफों को हरने वाले केवल वहां शंकर विराजमान हैं। तो पंचायत में कोई निर्णय कोई नहीं करेगा, पंचायत का निर्णय स्वयं शिव कर रहे हैं। शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़कर, सूर्य को अर्घ देकर, माँ भवानी के चरणों में जल देकर, स्वयं नारायण का स्मरण कर, स्वयं गणेश जी का पूजन कर, देव शर्मा ने विनती करी और देव शर्मा ने विनय करा, तो भगवान शंकर ने उसी समय पर उनके एक पुत्री के जन्म का वर प्रदान किया। अब बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम था गुणवती, क्योंकि गुणवान थी वो। जैसे पिता भगवान का भजन करते थे वो भी भजन करती थी, जैसे पिता स्मरण करते थे वो भी स्मरण करती थी, जैसे पिता मंत्र जाप करते थे वो भी मंत्र जाप करती थी, जैसे पिता नाम जाप करते थे वो भी नाम जाप करती थी। गुणवती भी भगवान की भक्ति में इतना लीन हो गई, इतना लीन हो गई, धीरे धीरे समय निकला, पिता के मन में भाव उत्पन्न हो गया, पिताजी ने विचार करा कि मेरे घर में बेटी का जन्म हो गया, इसकी शादी किससे करूं, इसका विवाह किससे करूं। अच्छा बेटी होती है ना तो बड़ा टेंशन उत्पन्न हो जाता है सभी लोगों का, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान की अशोक सुंदरी का चरित्र कहता है कि बेटी अगर घर में जन्म ले ले तो चिंता मुक्त होना चाहिए कि अब मेरे घर में बेटी ने जन्म ले लिया, वो अपना भाग्य लेकर आई है तो हमारा भी भाग्य चलता है। बेटी हमारे घर में आई है तो वो भाग्य लेकर आई है तो भाग्य चलता है। लक्ष्मी सबको अच्छी लगती है, आप में से कोई ऐसा है जिसको लक्ष्मी अच्छी नहीं लगती? अरे बोलो तो समझो, किसी को धन अच्छा नहीं लगता हो, लक्ष्मी अच्छी नहीं लगती हो, ऐसा कोई है संसार में? जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र शिव चर्चा को श्रवण कर रहे हैं, ऐसा कोई हो जिसको लक्ष्मी प्रिय ना? सबको लक्ष्मी प्रिय है। एक छोटे से बच्चे को गोदी में लो ना और उसको पहली बार कोई मिलता है तो उसको 10 का नोट पकड़ा देता है ना, तो उससे 10 का नोट भी छेड़ा उसको छूटता नहीं, छोटा सा। लक्ष्मी किसको प्रिय नहीं? मरने वाला मर कर भी जाता है ना तो भी उसकी छाती पर पैसा बटका जाता है, लक्ष्मी उसको भी प्रिय जा रही है तो भी लक्ष्मी किसकी प्रिय? अब हम कहते हैं कि लक्ष्मी सबको प्रिय है, पर लक्ष्मी से तो पूछे कि उसको क्या प्रिय है। एक भिखारी से लेकर सेठ को भी लक्ष्मी प्रिय है, एक कंगाल से लेकर करोड़पति को भी लक्ष्मी प्रिय है, पर कोई लक्ष्मी से तो पूछे कि दुनिया तुझे इतना प्रिय लगती है, दुनिया तुझे साथ चाहती है, दुनिया तुझे लेना चाहती है, पर तू क्या चाहती है? लक्ष्मी की प्रियता कायम है। कोई लक्ष्मी से पूछे? शिव महापुराण की कथा में चरित्र आता है, जब भगवान नारायण के चरणों में लक्ष्मी जी बैठी थी और नारायण से पूछा गया कि प्रभु आपने मुझे किससे प्राप्त करा, तब भगवान नारायण ने कहा मैंने शिव से प्राप्त करा, क्योंकि तुम्हारी माता ख्याति देवी तुम्हारा विवाह शिव से करना चाहती है, पर मैंने भगवान शंकर से कहा कि मैं लक्ष्मी से प्रेम करता हूँ, इसलिए लक्ष्मी मुझे प्यार है, तो तुम्हारी माता हे लक्ष्मी, तुम्हारी माँ ख्याति देवी ने तब तुम्हारा विवाह मेरे साथ करा। तो लक्ष्मी से भगवान नारायण पूछ रहे हैं, नारायण लक्ष्मी से चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि तुम सबसे ज्यादा आदर सम्मान सत्कार किसका करती हो, किसके कहने पर तुम किसी के घर पर जाती हो, किसके कहने पर तुम उसके निहाल कर देती हो, किसके कहने पर तुम उसका भंडार भर देती हो, लक्ष्मी को कौन है जिसके कहने पर तुम उसके कहने पर चले जाती हो। लक्ष्मी जी ने कहा अपने स्वामी भगवान नारायण से, केवल एक वो है देवदेव महादेव जो कहते हैं मुझसे, देवदेव महादेव ने मुझसे कहा है
कि जो एक लोटा जल मेरे मंदिर में लेकर आए, क्योंकि लक्ष्मी ने कहा था मैं नारायण के चरणों की दासी हूँ, तो मैं आपकी दासी हूँ, आप बताओ मैं कहाँ रहूँ। भगवान शंकर ने कहा कहीं नहीं लक्ष्मी, अगर कोई एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में आए, जल चढ़ाकर जब वो घर जाए तो उसके लोटे के साथ उसके पीछे पीछे तू भी उसके घर में प्रवेश कर जाना, उसका दुख हर उसका संकट। संसार के लोग दुख नहीं हर सकते, पर परमात्मा शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारे दुख को हर लेता है। और देख लिया संसार हमने सब मतलब दिया, हमने देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख दिया सब मतलब दिया, देख लिया संसार हमने। लक्ष्मी जी कहती है मैं महादेव के कहने पर चली जाती, महादेव कहते हैं मैं वहां जाती, शिव के अनुकूल लक्ष्मी जाती, शिव के कहने पर। सुनो सतमामा जी, आपके पिता देव शर्मा आपको प्राप्त कर बड़े खुश थे, सोचा कि बेटी का विवाह करूं, तब उन्हें स्मरण में आया मेरा एक मित्र है पर वो प्राण त्याग कर चले गया है, उसका एक बेटा है जिसका नाम चंद्र, उसका एक बेटा है जिसका नाम चंद्र है, मैं उससे विवाह कर देता हूं। तुम्हारे पिता देव शर्मा ने तुम्हारा विवाह चंद्र से कर दिया। समय बीता, वो भी ब्राह्मण कुल का बालक, इतना अच्छा बालक था जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता था। सतभामा जी समय निकल गया, कुछ समय निकलने के बाद तुम्हारे पिता देव शर्मा और चंद्र दोनों किसी तीर्थ के लिए जाने लगे, किसी तीर्थ की ओर अग्रण होने लगे, और तीर्थ की ओर जब जाने लगे, तीर्थ में जाते 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 एक असुर की दृष्टि इन दोनों पर पड़ जाती है, और एक राक्षस की दृष्टि पड़ने पर राक्षस ने विचार करा कि मैं कुछ भी करूं इनका संहार कर दूं, इनको मार दूं, क्योंकि दोनों भगवत भजन करने वाले, घर के अंदर परिवार के अंदर जो भगवान की भक्ति करने वाला होता है, शिव मंदिर जाने वाला होता है, भगवत भजन करने वाला होता है, व्रत करने वाला होता है, पूजन करने वाला होता है, भगवान की भक्ति में डूबने वाला होता है, दुनिया के लोग जले ना जले पर घर के लोगों के मन में भी आ जाता है ये आ गए बाबा जी, ये आ गए शिवर वाला महाराज की चेली, ये आ गए शंकर जी के भगत, अभी बहुत ज्ञान देंगे, बहुत समझाएंगे। अब बहुत बहुत सारी बातें लोग कहते हैं, सीधी बातें, तुम किसी मॉल में जाइए ना, कोई तुम्हें नहीं टोकेगा, तुम फटी हुई जींस पहनो ना, कोई तुम्हें नहीं टोकेगा, तुम कैसे भी रहो ना, कोई तुम्हें नहीं टोकेगा, तुम बाल भी आड़े तेड़े बनाओगे तो कोई ना टोकने वाला, तुम कैसे भी कपड़े पहनोगे कोई नहीं टोकेगा, और जिस दिन तुमने धोती पहन ली, जिस दिन तुमने मस्तक पर तिलक लगा लिया, चंदन त्रिपुंड लगा लिया, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, हाथ में रुद्राक्ष बांध लिया, और जिस दिन गले में रुद्राक्ष पहना और त्रिपुंड लगाकर और बड़े प्रेम के साथ तुम मार्केट में से निकल कर बताओ, सारी दुकान वाले मोहल्ले वाले कॉलोनी वाले सब तुमको देखेंगे, ये कहां किया, ये है कौन, इसकी दृष्टि क्या है, इसका स्वरूप क्या है, और अगर पहचान वाले मिलेंगे तो ये जरूर कहेंगे भैया किसके चक्कर में आ गए, बाबा बनोगे क्या, संत बनोगे क्या, साधु बनोगे क्या, तपस्वी बनोगे क्या, लोग कह देते हैं भाई, कितनी जल्दी पहचान में आते हैं। और देखो संसार के वस्त्र पहने तो पहचान में नहीं आओगे, पर परमात्मा के वस्त्र धारण करोगे तो पहचान में जरूर आओगे, ये हमारे संस्कार हो, ये हमारे संस्कार है, ये हमारे जीवन का एक सुख है, हमारे जीवन का एक आनंद है। सतमामा जी तुम्हारे पिता और तुम्हारे पति दोनों जा रहे थे, इतने में ही एक असुर की दृष्टि पड़ गई और उन्होंने उनको समाप्त कर दिया, दोनों तीर्थ करने जा रहे थे, भगवत भजन करने जा रहे थे, इसलिए कहीं ना कहीं शिव तत्व को उन्होंने प्राप्त करा था, इसलिए भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई और नंदी लेकर शंकर भगवान पधारे और तुम्हारे पिता और तुम्हारे पति दोनों को नंदी पर बिठाकर शिव की लाश लेकर चले जाए, तुम अकेले
सतभामा जी तुम्हारे आंखों में रुदन था, नेत्रों से जल बह रहा था। एक तरफ पिता चले गए, दूसरी तरफ पति चले गए, वैधव्य का जीवन कैसे जियोगी, रोती बिलकती आंखों से आंसू बहाती, करूं तो करूं क्या, कहां जाऊं, किससे कहूं। जब व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, सब जगह से छूट कर अकेला जब हो जाता है, तब उस परमात्मा को याद आता है, तब उस भगवान को याद आता है। कितना विचित्र जमाना है। पहले के समय में मंत्र चलते थे, बीच के समय ऐसा आया था जब तंत्र चलते थे, वो समय भी गया। फिर एक समय आया जिसमें यंत्र चलते थे, और आज कलिकाल का वो समय है जिसमें षड्यंत्र चलते थे। पहले मंत्र चलते थे, फिर तंत्र चलते थे, फिर यंत्र चलते थे, और आज कलिकाल के अनुसार आज कलयुग में लोग षड्यंत्र चलते हैं। बस अंदर ही अंदर सोचते हैं, ये ऊपर चढ़ रहा है, इसको नीचे कैसे गिराया जाए, ये आगे बढ़ रहा है, इसको पीछे कैसे लाया जाए, इसने इतना क्यों कमा लिया, इसने ऐसा भजन क्यों कर लिया, इसने स्मरण क्यों कर लिया, इसकी एक दुकान कैसे बन गई, इसकी शोरूम कैसे डल गया, इसका कपड़े का काम कैसे चल गया, इसके घर के पर्दे अच्छे क्यों है, इसका छत अच्छा क्यों है, इसका बेटा कहने में क्यों है, इसकी बेटी कहने में क्यों है, इसकी पत्नी अच्छी मिली, इसका पति अच्छा मिला, इसका परिवार अच्छा मिला, ये षड्यंत्र रचना प्रारंभ। और याद रखना, मंत्र तंत्र यंत्र और षड्यंत्र, इस पर भी भारी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मन, इस पर भी भारी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र। और शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की पावन कथा कह रही है, भगवान का ये पवित्र तीन दिवसीय शिव चर्चा में प्रथम दिवस की चर्चा कर रही है कि सतभामा जी तुम्हारी आंखों में जल भर गया, कि क्या करती, विचार कर कर समय बीतता गया, कार्तिक का महीना आ गया, दामोदर मास आ गया, तुम कहां जाओ, तुम्हारे स्मरण में आया कि मेरे पिता शंकर की आराधना करते थे, इसलिए सतभामा जी तुम शिव के मंदिर जाना प्रारंभ कर दी, शंकर की आराधना करना प्रारंभ कर दी। शिव की ऐसी आराधना करी कि शंकर को जल चढ़ाकर जब तुम आती थी तो एक आंवले के वृक्ष के नीचे जल चढ़ा देती थी, आंवले के वृक्ष के नीचे से आती थी और घर में प्रवेश कर जाती थी। प्रतिदिन तुम्हारा एक नियम बन गया, शाम के समय कार्तिक का महीना, और तुम्हें स्मरण नहीं आया कि कार्तिक का महीना है, क्योंकि तुम वैधव्य जीवन जी रही थी, आंखों में जल भरा हुआ था, रो रही थी, तुम्हें सुध नहीं थी। कब कार्तिक आया तुम्हें मालूम नहीं पड़ा, कब दामोदर मास आया तुम्हें मालूम नहीं पड़ा, और कार्तिक के महीने में तुमने दीप दान करना प्रारंभ करा। प्रत्येक दिवस तुम शाम के समय पर शिव मंदिर में जाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर, तुम प्रत्येक दिवस आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर, तुम प्रत्येक दिवस पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर एक दीप दान करने लगी, और वो दीप दान का पुण्य फल इतना प्रबल हुआ कि एक दिन चलते चलते तुमको किस असुर ने फिर देखा और तुम्हारे प्राणों को हर लिया। प्राण तो तुम्हारे चले गए, पर कार्तिक के महीने में जो तुमने तुलसी की अर्चना करी, कार्तिक के महीने में जो तुमने आंवले के वृक्ष की अर्चना करी, कार्तिक के महीने में जो तुमने शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया, शिव की ऐसी कृपा हुई, शंकर प्रकट हुए, तुम्हें नंदी पर बिठाए, चलते चलते देवदेव महादेव ने पूछ लिया तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा मेरा जीवन दुख में निकला, मेरे पिता पति चले गए, क्या चाहती हो। मैंने सुना है महादेव, जो आपसे मांगता है आप वो दे देते हो। हाँ बोलो क्या चाहिए। क्या मुझे अगले जन्म में नारायण मिल सकते हैं। शंकर भगवान मुस्कुराकर बोले क्यों नहीं मिल सकते, तुमने कार्तिक महीने में मेरे मंदिर में दीपदान किया है, एक लोटा जल समर्पित किया है, तुमने तुलसा महारानी का पूजन किया है और कार्तिक के आनंद का जीवन जिया है, इसलिए वर देता हूँ अगला जन्म जब तुम्हारा होगा तुम्हारे लिए ही भगवान स्वयं नारायण द्वापर में कृष्ण अवतार लेकर आएंगे और तुम उनकी अर्धांगिनी सतभामा बनोगे। अर्धांगिनी सतभामा,
ये पुण्य हमारे जीवन का एक आनंदमय पुण्य है। सतभामा जी ने कई बार भगवान कृष्ण से पूछा, ये पुण्य की प्राप्ति, ये सुंदर कल्प वृक्ष की प्राप्ति मुझे कैसे हो गई? तो भगवान ने कहा, तुमने 5 दिवसीय जो कार्तिक महीने का कृष्ण पक्ष का जो आनंद और शुक्ल पक्ष का जो आनंद लिया है उसका ही फल ये। और उसी कार्तिक के महीने की दीपावली पर्व, लोग कहते हैं दीपावली एक दिन की है। शिव महापुराण की कथा में, स्कंद पुराण के अंतर्गत शास्त्रों में वर्णन आता है कि देव दीपावली में भी पीछे पचवीगन स्नान का फल मिलता है और कार्तिक महीने की इस अमावस्या के अंतर्गत भी 5 दिवसीय दीपावली महापर्व का आनंद मिलता है। धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दुर्गापूजा, ये 5 दिन तक दीपावली महापर्व चलता है। दीपावली महापर्व में हम क्या कर सकते हैं? हम क्या भगवान को दे सकते हैं? अभी आपको कहा कि सारी दुनिया लक्ष्मी को चाहती है, पर लक्ष्मी से कोई पूछे कि तू क्या चाहती है, लक्ष्मी से कोई पूछे तुम क्या चाहती है, तो लक्ष्मी जी भी कह देगी, बस मैं इतना चाहती हूँ कि महादेव के प्रति, भगवान के चरणों के प्रति आपका विश्वास जहाँ पर बढ़ा, आपका विश्वास जहाँ प्रबल हुआ, लक्ष्मी जी कहती है वहां पर मैं हमेशा खड़ी हूँ और तुम्हारे घर में हर पल में। पूजन का विधान बताते हुए स्वयं शास्त्र वर्णन करता है हमारे यहाँ धनतेरस के दिन की जो पूजन है, उस धनतेरस के दिन की पूजन में आप अपने घर में जितनी भी आप लक्ष्मी की पूजन जब आप करें, दीपावली की पूजन करें, उसमें मुहूर्त देखिए मनाना, मुहूर्त पूछिए मनाना, कोई मुहूर्त लिखा हुआ है उसका स्मरण। धनतेरस की पूजन करने में, रूप चौदस की पूजन करने में, पड़वा की पूजन करने में, दूज की पूजन करने में आपको मुहूर्त की जरूरत नहीं। आप तो प्रदोष काल, शाम का जो प्रदोष काल का समय होता है, उस समय पर बड़े प्रेम के साथ में, आनंद के साथ में, एक सुंदर आनंद से अगर घर में मार्बल या कोटा फर्श वगैरह लगा हो तो कपड़े से ही पोछ लो, और अगर कच्चा मकान हो तो गोबर से थोड़ा सा लीप कर सुंदर आनंद के साथ में, भगवान का जहाँ मंदिर देवालय शिवालय है, बड़े आनंद से आपके घर में जो पूजन का जगह है उस पूजन के जगह पर थोड़ा सा लीप कर या कपड़ा फेर कर वह आनंद के साथ एक सुंदर चौक पूर लीजिए और चौक पूर कर उसमें थोड़ा सा चावल दाना या गेहूं का दाना रखकर उस पर एक चौरंग चौकी पाटा जो भी आप रख सकते हो उस पर पर एक सुंदर वस्त्र बिछा, वस्त्र बिछा कर एक सुंदर सी थाली में स्वस्तिक कंकु के रोली का एक स्वस्तिक बनाइए, बनाकर उसको थाली के ऊपर, उसको पाटे के ऊपर जो कपड़ा बिछा है उसके ऊपर रख दीजिए। रखकर घर में कोई चांदी का सिक्का हो, चांदी का सिक्का ना हो, चांदी का क्वाइन ना हो, तो अपना जो क्वाइन आता है, 1 का सिक्का 2 का सिक्का जो भी क्वाइन आता है वो रख दीजिए, और रखकर उसको जो मोली आती है लच्छा बांधने वाला, हाथ में बांधने का जो नाड़ा आता है मोली होती है लच्छा, उससे उसको हल्दी लगाकर लपेट दीजिए और बाबा को उस थाली में रखकर सुंदर आनंद के साथ में माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए 7 दिए घी के लंबी बाती, 1 दिया तेल, तेल का दिया लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड पे, जैसे लक्ष्मी जी को जब पूजन करने बैठोगे तो लक्ष्मी जी का मुख आपकी ओर होगा कि नहीं होगा, आप ऐसे बैठे हो तो लक्ष्मी का मुख आपकी ओर, तो दिया आएगा इस ओर, मतलब आप जब पूजन करने बैठोगे तो आपका जो सीधा हाथ होगा लक्ष्मी जी का वो उल्टा, उस उल्टे हाथ की ओर एक तेल का दीप लगाकर लंबी बाती का और 7 दिए लंबी बाती के घी के आटे के दिए वो एक प्लेट में थाली में रख लीजिए। पूजन का सामान कंकु चावल रोली मोली हल्दी, हल्दी की गांठ, अमरवेल, कमल गट्टा, खड़ा धना, गुड़, ये सब सामग्री रखकर, कुछ भोग लगाने की सामग्री, कुछ धूप बत्ती आदि इत्र आदि सामग्रियां रखकर, पुष्प आदि रखकर, जो क्वाइन तुमने रखा है, सिक्का तुमने रखा है, 7 दिए सीधे हाथ पर लक्ष्मी, 7 दिए जो तुमने आटे पे बनाए हैं उसमें लंबी बत्ती कर सीधे हाथ पर जलाएं, उल्टे हाथ पर तेल का दिया जलाकर पूजन की थाली में जो सामग्री रखी है जल का छिटा देकर बड़े प्रेम के साथ वस्त्र समर्पित कर और
रोली चंदन मोली हल्दी जो भी है मेहंदी आदि सब सामग्री समर्पित कर कर 5 कमरबेल के टुकड़े 7 कमलगट्टा 5 अमरबेल के टुकड़े 7 कमलगट्टा 5 हल्दी की गठान ये सब अपने हाथों में लेकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कर कर कुबेरेश्वर महादेव से विनती कर कर शिव की आराधना कर कर नारायण की आराधना कर कर दामोदर भगवान की आराधना कर कर माँ लक्ष्मी की आराधना कर कर दोनों हाथों से समर्पित कर कंकु रौली उस सिक्के के ऊपर धीरे धीरे कर कर डाल हल्दी धीरे धीरे कर कर उस पर डाली और जो 7 दिए आप भोग लगाने के बाद प्रसाद रखने के बाद में फिर जब 7 दिए जो तुमने थाली में लिए हैं प्लेट में लिए हैं उससे माता लक्ष्मी की आरती कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कर आरती करिए। आरती रख दो पर आरती को लेना नहीं, आरती भगवान की भगवान को समझ आरती झोली पसार कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए माँ मैंने कुबेरेश्वर बाबा से विनय करी है मैंने कुबेर भंडारी से विनय करी है माँ आप नारायण के साथ कुबेर के साथ रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी महाराज के साथ आप मेरे घर में पधारिए आप आइए आपका निवास बनाइए आप रुकिए माँ हम में बहुत सारे अवतार हे लक्ष्मी माता हे नारायण हे शंकर हे उभरदानी हे गणेश जी महाराज हे रिद्धि सिद्धि हे कुबेर हमें बहुत अवगुण है पर हे माँ हमने सुना है आपने शिव जी से जब वर मांगा था तो कहा था कि बाबा शंकर भगवान से लक्ष्मी जी ने कहा था मैं जाने को तो चले जाऊं प्रत्येक मनुष्य के घर में पर उसके घर में तो इतना अवगुण भरा हुआ है इतने दोष भरे हुए हैं इतना अपशब्द भरा हुआ है इतने ताने भरे हुए हैं इतनी गालियां भरी हुई है इतना मन में खोट भरा हुआ है मैं इनको कैसे लक्ष्मी प्रदान मैं इनको कैसे भंडार तब माँ आपने तुरंत भगवान शंकर से कहा तो शिव जी ने कहा लक्ष्मी जब आप शिव की साक्षी में किसी के घर में प्रवेश करो तो अवगुण मत देखना उसके गुण देखकर प्रवेश कर जाओ वो कहते हैं कि मेरे गिनियों ना अपना लाडली हमारे अवगुण ना गिने अभी कथा में कथा में आपको वर्णन किया था कोई बहुत अच्छा है ना बहुत अच्छा है ना उसको ज्यादा घूर के नहीं देखो कितना अच्छा व्यक्ति है ना उसको ज्यादा घूर के मत देखो क्यों ज्यादा उसको घूर कर देखोगी तो उसमें अवगुण निकल जाएगा तुम कुछ ना कुछ अवगुण निकाल लोगे कुछ ना कुछ दोष निकाल लोगे और कोई व्यक्ति बहुत बुरा है ना बहुत बुरा है तुम्हें बहुत बुरा लगता है ना थोड़ा उसको घूर कर देखो अच्छे से देखना अच्छे व्यक्ति को घूर कर मत देखो बुरे व्यक्ति को घूर कर देखो अच्छे से देखो तो ये पक्का है उस बुरे व्यक्ति में भी कोई गुण निकल ही जाएगा ये पक्का है अच्छा है उसको ना देखिए ज्यादा घूर कर ना देखिए अच्छा है हम ज्यादा देखेंगे ना बहुत अच्छा होता है प्रथम में तो जब एक दूसरे से प्रेम होता है स्नेह होता है तो कितने अच्छे लगते हैं रात दिन बात करें 24 घंटा बात करें 8 घंटा बात करें रात को 9 बजे से जो चालू हो तो 2 बजे तक बात करें और फिर उनकी शादी हो जाए फिर बात करें फिर तो खूब लड़ी मर्दानी फिर जो युद्ध चालू हुआ वो फिर युद्ध चालू शिव कथा कर रही है भगवान शंकर की कथा कर रही है जो जिसमें बहुत गुण है बहुत अच्छा है जो उसमें तुम ज्यादा घूर कर मत देखो उसमें अवगुण निकल जाएगा बहु पहले कितनी अच्छी लगती है बहुत बढ़िया सास कितनी अच्छी लगती है वो सब अच्छे लगते हैं फिर धीरे धीरे उसमें अवगुण निकलता जाता है हमारी सास तो ऐसी है हमारी बहू तो ऐसी है अवगुण निकलता जाता है पहले घूर करना देखिए अच्छा है ना उसको ज्यादा घूर कर नहीं देखते और बुरा है ना उसको घूर कर देखो उसमें कुछ ना कुछ गुण जरूर देखो बुरे व्यक्ति में अच्छाई जरूर होगी ऐसा हो नहीं सकता कि कोई अच्छा ही परमात्मा ना निकाल शिव कथा कर रही है सुंदर पवित्र चरित्र कर रहा है भगवान के पावन चरित्र वर्णन कर रहा है
स्कंद पुराण में कार्तिक महत्तम वर्णन कर रहा है और बड़े प्रेम से भगवान कह रहे हैं कि इस कार्तिक के महत्तम में, इस कार्तिक के महत्वता में आज आप सबने धनतेरस पूजन की महत्वता को जाना। और ये पूजन 5 दिन तक आप जिस जगह पर पहले दिन पूजन कर रहे हो धनतेरस की, जैसे आपने धनतेरस कुबेरेश्वर धाम की जो धनतेरस है वो 29 तारीख की रहेगी, रूप 14 30 तारीख की रहेगी, दीपावली जम के बोलो 31 तारीख की रहेगी, 31 अक्टूबर गोवर्धन पूजन 1 तारीख, 1 नवंबर ऐसे 2 तारीख, ऐसा क्रम सुंदर यहाँ कुबेरेश्वर धाम की धरा पर रहे। तो आप लोग जो पूजन करेंगे 29 तारीख को धनतेरस की प्रदोष काल, कोई समय प्रदोष काल का देखकर बड़े प्रेम से लीप कर, चौकी रख कर, बड़े आनंद के साथ में कपड़ा बिछा कर, उस पर थाली रख कर, सुंदर भाव के साथ धनतेरस की पूजन करो और मेरे कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण करो कुछ देर बैठ कर, क्योंकि लक्ष्मी को भी और कुबेर को भी देने वाला अगर कोई है तो वो देव अधिदेव महा देने वाले। प्रयास करो भगवान शंकर की आराधना में जो सुख है, शिव की भक्ति में जो आनंद है, शंकर की आराधना कर शंकर की साक्षी रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने पहले भी कथा में कहा दीपावली के समय पर बाजार में भी जाओ तो दिवाली के समय पर वहां पर मार्केट में भी कहो कि भैया हमको एक स्टिकर चाहिए, काय का स्टिकर, कहना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का चाहिए। क्या करोगे, दरवाजे पर लगाना है, क्यों, क्योंकि हमने सुना है शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो हमारे सारे पाप क्षीण हो जाते हैं, हजारों अश्व यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और हमारे कार्य सफल हो जाते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति जब दरवाजा बंद होगा उस पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होगा, सामने वाला कोई भी आएगा पड़ेगा, दरवाजा बजाएगा, जितनी देर खड़ा रहेगा उतनी देर पड़ेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम दरवाजा खोलोगे, उसके मुख का दर्शन करोगे तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दो फायदे, हमारा लाभ उसमें है, शिव तत्व की प्राप्ति हो। जब महालक्ष्मी आनंद के साथ में धनतेरस का पूजन करो, कल कथा में अपन रूप 14 के पूजन की महत्वता जानेंगे, फिर उसके आगे तीसरे दिन की कथा है 2 बजे से 5 बजे तक, उसमें अपन दीपावली पूजन को जानेंगे, फिर उसमें अपन एकम के पूजन का जानेंगे, गोवर्धन पूजन के दिन का महत्व की पूजन कैसे करना, फिर उसका वर्णन अपन दूज की पूजन का जानेंगे, ऐसे अपन पूरे 5 दिवसीय पूजन की महत्वता का स्मरण करेंगे 5 दिवस। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा हवा बीच उड़ती जवानी बाबा डोर हर तो चढ़ी कटी जवानी भोले में तेरी पतंग शंभो में तेरी पतंग हवा बीच उड़ती जवानी बाबा डोर शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर की प्राप्ति। कितने आनंद के साथ और जित कभी भी ध्यान रखना, लक्ष्मी पूजन जब भी करो तो शिव को याद जरूर करो। भगवान नारायण को भी अगर लक्ष्मी जी है तो भगवान शंकर, नहीं तो माता ख्याति देवी लक्ष्मी जी की माँ तो लक्ष्मी जी का विवाह तो भगवान शंकर से करना चाहती थी, पर नारायण भगवान शिव की आराधना में लगे रहे। पूछ लिया देवाधिदेव महादेव ने, नारायण क्या बात है, अभी मेरी आराधना ज्यादा कर, क्या हो क्या गया? नारायण कहते हैं प्रभु वो ख्याति देवी लक्ष्मी जी की माँ, उनका विवाह आपके साथ करना चाहते हैं, आप चिंता क्यों कर, आप क्या चाहते हो बोलो। नारायण ने कहा लक्ष्मी मुझे, नारायण लक्ष्मी में आप आप
आप लक्ष्मी से विवाह करोगे, लक्ष्मी आपसे विवाह करेगी। लक्ष्मी जी से पूछा स्वयं भगवान शंकर, जब लक्ष्मी मैया बेलपत्र के वृक्ष के नीचे झाड़ू बुआरी कर रही हैं, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सेवा कर रही हैं, शंकर भगवान प्रकट होकर स्वयं पूछते हैं, गौरी शंकर शंकर पार्वती के साथ प्रकट होकर पूछते हैं, क्या बात है, क्या चाहिए, क्या हो गया। अब स्वयं भगवान शंकर ने लक्ष्मी जी से पूछा तुम्हें क्या चाहिए, लक्ष्मी जी कहती है मुझे नारायण के चरण, नारायण के चरण। भगवान शंकर ने पूछा लक्ष्मी तुम नारायण के चरणों में रहने को तैयार हो? लक्ष्मी जी का शब्द था कि नारायण के चरणों में रहने को तैयार हो। इतने में लक्ष्मी जी कहती हैं केवल नारायण के चरणों में ही नहीं, जिसके हृदय में नारायण बैठा है उसके घर में रहने को भी तैयार, जिसके हृदय में नारायण बैठा है, जिसके हृदय में श्री हरि बैठे, जिसके हृदय में भगवान बैठे, उनके घर में रहने को मैं तैयार, उनके घर। ये कार्तिक का महीना बड़े प्रेम से भगवान की विरल भक्ति धारण करते हुए दीप प्रज्वलित करिए और बड़े आनंद के साथ में 5 दिवसीय कार्तिक के महीने में सुंदर दीपावली महापर्व को मनाएं। हमारे कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर भी दीपावली की रात्रि को लोग आते हैं, इस कुबेर भंडारी के दरवाजे पर घी के 11 दिए लगाते हैं, लोग अपने अपने घर की पूजन दिन में शाम को कर कर रात्रि को निकल निकल कर आते हैं और पूरे प्रांगण में कहीं जहां उनका मन करता है वहां बैठकर 11 दीप लगा कर बाबा कुबेर भंडारी के चरणों में झोली पसार कर प्रणाम करते हैं बाबा भंडार, और दूसरे दिन तक बाबा का खजाना लेकर यहाँ से चले जाते। 31 तारीख की रात्रि को लोग आसपास के गांव के शहर के सभी भक्त लोग यहाँ पहुंचते हैं बाबा के 11 दीप लगाने के लिए और सुबह बाबा का भजन शिव भक्ति भजन। जितनी आराधना भगवान शंकर की करोगे, शिव नारायण की भगवान की भक्ति करोगे, दामोदर मास में कार्तिक मास में दीपदान जितना कर सकते हो, जितना दीपदान कर सकते हो उतनी शिव भक्ति को धारण। और धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा, दूध, ये 5 दिन इधर के और 5 दिन देव दीपावली के, हम उसका भी वर्णन करेंगे तीसरे दिन की कथा में। एक बेलपत्री, एक पीला चावल हल्दी में रंगा हुआ पीला चावल और एक बेलपत्री, एक कमलगढ़, भगवान शंकर की शिवलिंग पर समर्पित करने का प्रयास किया, परंतु ये बेलपत्री, पीला चावल और एक कमलगढ़, ये 5 दिन तो तुम ये दीपावली के पर्व के और 5 दिन जो पचवीगन आएगा पूर्णिमा का समय जब आएगा उस समय पर, अगर आपने ये दोनों समय पर एक बेलपत्री, एक पीला चावल, एक कमलगट्टा भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना प्रारंभ करा, ये 5 दिन इधर के 5 दिन उधर के, आपको कभी कहना नहीं पड़ेगा किसी के आगे कि भैया मुझे 500 की जरूरत है, तेरी जेब और तेरा घर भरा ही खाली नहीं रह सकता। और बाबा से प्रार्थना हम यही करते हैं, हमेशा करते हैं, किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना। बाबा भरता जरूर है, एक बेलपत्री, एक पीला हल्दी का चावल, एक दाना चावल और एक जम के बोलो कमल, एक कमल, भगवान शंकर के शिवलिंग को समर्पित करिए, भगवान शंकर के शिवलिंग को समर्पित, बड़े भाव के साथ में, आनंद के साथ में और दिल से बाबा से कहो 5 दिन ये दीपावली के समय पे धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दो, और उधर भी जब पूर्णिमा आएगी उसके पहले उसका वर्णन हम कर देंगे फरीदाबाद की कथा, उसका पूरा वर्णन करेंगे फरीदाबाद की कथा में, क्या कुछ करना, ये 5 दिन इधर के 5 दिन उधर, बड़े प्रेम से बाबा की ये पवित्र, आज धनतेरस के पूजन का अपने विधान जाना, कल सुबह 9 बजे से 10 बजे तक फिर बाबा की पवित्र कथा का आनंद लेते हुए अपन आनंद के साथ रूप चौदस के पूजन का विधान जानेंगे और अभी आरती का क्रम प्रारंभ हो रहा है, आप और हम सब मिलकर आरती का क्रम करेंगे। तीसरे दिन की जो कथा रहेगी वो 2 बजे से रहेगी, कल की कथा सुबह 9 बजे से 10 बजे तक रहेगी, बड़े भाव के साथ आनंद के साथ दोनों हाथ उठाकर हार महादेव।